नमस्कार, आपका स्वागत है राजनामा टीवी पे। मैं पूनम आपके साथ। हरियाणा के पलवल जिले की न्यू कॉलोनी में एक महिला ने अपने ससुर को दौड़ा दौड़ाकर लोहे के पाइप से पीटा। हमले में उसे चोटें लगी हैं। महिला ने बुजुर्ग को बचाने आई नौकरानी और उसकी बेटी से भी मारपीट की। आरोप है कि महिला ने बुजुर्ग की जेब से 40,000 रुपये निकाल लिए। कैमथाना पुलिस ने पीड़ित ससुर की शिकायत पर उसकी बहू के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। कैम्प थाना प्रभारी सत्यनारायण के अनुसार न्यू कॉलोनी निवासी किशन चंद ने शिकायत दी। इसमें उसने बताया कि वो बैंक से 40,000 रुपये निकाल कर लाया, लेकिन जब उसने घर पहुंचकर गेट खोला तो उसकी बहू चारू गर्ग ने उस पर लोहे के पाइप से हमला कर दिया। महिला ने उसके हाथ और पैरों पर वार किए। वह घर से बाहर आ गया, लेकिन उसकी बहू बीच सड़क पर उस पर हमला करती रही। किशन चंद ने बताया कि नौकरानी मुकेश बीच बचाव करने आई, लेकिन चारू ने उस पर भी हमला किया। नौकरानी मुकेश की बेटी आई तो आरोपी महिला ने युवक बुलाकर उनकी भी पिटाई कर दी। पीड़ित का आरोप है कि मकान उनका है, लेकिन बहू उन्हें और उनके बेटे को घर में नहीं घुसने देती। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। महिला की गिरफ्तारी के लिए छापामारी की जा रही है। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी पे। धन्यवाद।